कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। ज्वेलरी को होलमार्क करने के नाम पर मेरठ के कंकरखेड़ा में बाबा ज्वेलर्स नामक सर्राफ द्वारा क्षेत्र की महिलाओं व अन्य से करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवर हड़प लिए गए। सर्राफ विनीत वालिया 100 से ज्यादा लोगों की आंख में धूल झोंक कर भूमिगत हो गया। दुकान पर ताले लटके हुए हैं और जिन भोले भाले लोगों ने उसकी बातों में आकर अपनी गाढ़े पसीने से बनाए सोना आदि गवा दिए हैं, सभी के चेहरे लटके हुए हैं। रोजाना वे कंकड़खेड़ा थाना पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब वहां से नहीं मिल पा रहा है। विनीत वालिया की गिरफ्तारी कब होगी, कब पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा, अभी कहना मुश्किल है। पीड़ित लोगों का यहां तक कहना है कि थानेदार अजय कुमार ने आज तक कोई पूछताछ करना तो दूर, उल्टा वह उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं। आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी नेता शैंकी वर्मा के नेतृत्व में क्षेत्रीय महिलाओं ने कंकरखेड़ा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फर्स्ट बाइट टीवी की टीम को आज पीड़ित लोगों ने यह जानकारी दी। क्या मामला हुआ आपके साथ? जी, ये था, यहाँ पर एक बाबा ज्वेलर्स है जिसका मालिक है विनीत, और ये कम से कम 2.5 साल से हम लोग की जो ज्वेलरी हम लोगों ने इसे दे रखी थी, कुछ तो वो लेकर भागा हुआ है इसने। वो उसका ना तो उसका कुछ बना के दिया हम लोग को, बाकी हम लोग का पैसा भी इसके पास में था। वो कैसे लेके भागा है उस ज्वेलरी को? मेरा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो सामने भी नहीं आ पा रहे वो भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, अन्य भी बहुत थे, और सैकड़ों की तादाद में लोग हैं इसमें। आज तो कल उस तक कैसे पहुंची वो ज्वेलरी, वो कैसे लेके भागा वो ज्वेलरी पहुंचने का उस तरीका था? एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पुरानी हो गई तो हम उसको दोबारा दे के आए, कि जैसे हमने इसी से खरीदी हुई थी, हमने इससे कहा कि ठीक है जी इस चीज़ को आप दोबारा बना के दे देना। अभी 9 तारीख की बात है कि मेरा ही खुद का बर्थडे था, तो मैं इसको चैन और पेंडेंट के लिए गई थी इसके यहाँ पर, कि नेहा नाम का बना देना। तो इसने बोला कि ठीक है नेहा जी, आप ना मुझसे 2-3 दिन में ले लेना। लेकिन 9 तारीख में मैंने इसको पेटीएम करे हैं बकायदा खुद वहीं पे। मैंने कहा पैसे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आए हैं, इसने कहा कि नहीं मुझे जरूरत है, कारीगर को अभी देने पड़ेंगे। तो तब भी मैंने इसे 10-10 हज़ार के 2 पेटीएम करे हैं, 25 हज़ार रुपये फिर मैंने इसको दोबारा दिए हैं। इसके जो लड़के काम करते हैं, जिसको दिए हैं, जिससे बात करी है, जो पहले के प्रूफ हैं, जो हमारी ज्वेलरी गई हुई है, जो और पैसा इसने ले रखा है हमसे, ब्याज के नाम पर भी इसने पैसा ले रखा था, ना इंटरेस्ट मिला ना कुछ मिला, पैसा और गया। और पीड़ित इतने हैं इस टाइम पर कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, सभी लोग ही पीड़ित हैं, ये भी हैं और भी लोग हैं। हापुड़ के भी नाम है विनीत और उसकी वाइफ है एकता वालिया। आपके कितने पैसे, मतलब कितने पैसे होंगे, जितना सामान था उनके, कितने सामान जो हमारा है, सामान तो हमारा बहुत है मैडम, सामान तो हमारा होगा कम से कम 21 तोले सोना के आसपास। अच्छा। और जो हमारी गई है, जो हमारा फाइनेंस इसके ऊपर चल रहा था, जो ये पैसे वैसे ले रहा था हम लोगों से, उसमें हमारा कुछ गया हुआ है, ऐसे गया 21 के आसपास। जनप्रतिनिधि हूँ थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में, लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी ठगी हुई है, तो मैं इन सबके साथ में खड़ा हूँ और कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। इसमें थाना पुलिस का रवैया जो है वो बड़ा ही बेहद निराशाजनक है। तमाम लोग अपने घरों से लेके अभी थाना और अधिकारियों तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ये धरना प्रदर्शन मुझे ऐसा लग रहा है शायद सड़कों पर पहुँचने वाला है। हमारी चेतावनी समझ लें इसे, हमारा निवेदन समझ लें पूरी थाना पुलिस, आपके फर्स्ट बाइट के माध्यम से मैं ये चेताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस मामले को गंभीरता से लें, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मामले में लगे, सर्विलांस, SOG अधिकारी इस स्तर पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन थाना पुलिस जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि सराफा व्यापारी है तो शायद कहीं ना कहीं कोई साठगांठ उसके परिवार से कर ली, क्योंकि 8 दिन इस मामले को हो गए। पुलिस ने अभी आपने यहाँ पर किससे बात की है? मैंने भी थाना अध्यक्ष से हम लोगों ने बात करी, हमने एक टीम, क्योंकि पुलिस वाले परेशान थे कि आप लोग रोज भीड़ आ जाती है, तो इन 400-500 लोगों ने इकट्ठे होकर हम 10 लोगों को चुना, तो हम 10 लोगों बात करने आए थे इंस्पेक्टर साहब से, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का रवैया न जाने कैसा है। मैंने ऐसा रवैया अपने 12 साल के करियर में, राजनीतिक करियर में पहली दफ़ा देखा। मैं रेगुलर कंकरखेड़ा थाना आना जाना मेरे लोगों के मामलों में रहता है, लेकिन ऐसा मामला और ऐसा रवैया मैंने आज पहली बार देखा। इंस्पेक्टर साहब इस मामले की गंभीरता को समझें, पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है, और क्षेत्र की जनता अगर परेशान है तो जनप्रतिनिधि परेशान है, हम लोग परेशान हैं, और हम लोग सड़कों पर बैठने से बाज नहीं आएंगे। अगर वो हमें परेशान करेंगे तो हम उन्हें परेशान करेंगे। हमारी हमारी गुजारिश है, हमारी चेतावनी है कि कृपया इस मामले की जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करो, उसके परिवार वालों को थाने में बुलाएं, उसके नौकरों को थाने में बुलाएं। अब तक एक गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई, ऐसा कैसे संभव है? मेरा नाम मिथिलेश है और मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा और गोल्ड बुक किया हुआ है। अच्छा। उसमें 13 लाख के करीब मेरा पैसा और 15 ग्राम सोना है।
और मेरी बेटी की शादी भी मतलब करीब चेक तय हो चुकी है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो मैं अब आगे क्या करूँगी। अच्छा, तो आपको कहीं से कोई जानकारी नहीं है कि वो आपका पैसा आपका सामान कहाँ गया है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है, ये लेके भाग चुका है। मेरे साथ बहुत सारे मतलब हम 150 से 200 लोग हैं और सभी बहुत पीड़ित हैं। सभी जगह हम अपनी प्रार्थना लेके जा रहे हैं, हमें जहाँ भी उम्मीद लगती है हम सभी जगह घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम खुशी है, मैं मंगलपुरी से हूँ। मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आते थे कि आप अपना गोल्ड ना गोल्ड मार्क करवा लो, क्योंकि मेरा गोल्ड 7 साल पुराना था। 7 साल जब मेरी शादी हुई थी, मेरे ससुर ने भी 10 तोला चढ़ाया था, मेरी मम्मी ने भी 10 तोला चढ़ाया था, और मैंने अपना 7 साल में जितना सोना बनाया था सब गोल्ड मार्क के लिए दे दिया। लेकिन मैं रोज़ जाती थी, मेरे ससुर भी रोज़ जाते थे कि भैया मेरा सामान दे दो, सामान दे दो, और मुझसे पैसे भी ले लिए कि हाँ तुम अपना गोल्ड बुक कर लो 35,000 रुपये के रेट में, नहीं तो आगे आगे 50 का रेट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने हमारे ना पैसे दिए ना हमारा जेवर दिया, सब लेकर भाग गए। तो जो भी आ रहा है किसी की सुनवाई नहीं है, ना ये किसी की सुनते हैं। आज तक का एक नौकर भी इन्होंने जो है पूछताछ के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। अब इससे ज्यादा क्या होगा, 15 दिन हो गए। आपका कोई सामान है? हाँ, हर किसी का सामान है यहाँ पर। आपका क्या है? मेरा भी है। मेरा नाम प्रतीक है और इसके पास मतलब हमारी ज्वेलरी रिपेयरिंग के लिए है, रिपेयरिंग के लिए गई हुई थी, वो भी नहीं दी है। इसने कुछ मतलब मेरे से हाथ उधार लिया था, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा आना जाना था। मैं मतलब भट्टे का व्यवसाय है, मेरे से इसने 2-3 जने को ईंट भी दिलवाई हुई है, मेरे वो पैसे भी थे। इसे 10 अगस्त में पैसा देना था मुझे, मेरे साले की शादी है 23 नवंबर की, उसकी बुकिंग की हुई है हमने इसके पास जनवरी की। मतलब सब कुछ लेके फरार हो गया है ये, मतलब ये रिश्तेदारों के भी पैसे खुद देने पड़ेंगे। रणवीर मेरा नाम है और मेरे से ज़्यादा शायद इस केस के अंदर कोई पीड़ित नहीं होगा। वाइफ को कैंसर और मैंने तो क्रेडिट कार्ड सभी से लोन उठाकर इसको दे रखा था। तो आप कैसे मिले, क्या काम था आपका इनसे? नहीं, मैं तो कम से कम इनसे 25 साल से फैमिली रिलेशन की तरह साथ में रहते थे सर। अच्छा। बिल्कुल बहुत घनिष्ठ संबंध थे और बैंक से भी लोन और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मेरे ही यूज करता था। तो मेरा तो इसने क्या नाम है, लास्ट ये जो पिछले साल 22 अप्रैल को घर पे एक अपना वर्कर भेजकर, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से आए थे डिस्चार्ज होकर, तभी इसने अपने एक नौकर को घर पे भेजा और जितने भी वाइफ के गहने थे उनका भाई हॉलमार्क लगेगा आप इन्हें दे दीजिए, उसके नाम पर लेकर रोज आजकल और अभी तक कुछ नहीं, गहने भी गए और पैसे भी गए। जब विनीत वालिया के पिता राजेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने यह कहा, क्या कहना है, सब लोगों का ये मतलब कहना है, सब इतने सारे आरोपी मतलब इतने सारे पीड़ित लोग आरोप लगा रहे हैं आपके बेटे पर, बाबा ज्वेलर्स, जो लोगों के पैसा ज्वेलरी और सब चीज सिर्फ एक होल मार्क का नाम देकर सब लेकर फरार हो गए और उनका कुछ पता नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो जो है 10-11 साल से जो है जब से शादी हुई थी, शादी के 1 साल बाद से हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था, ना हम कभी उसके यहाँ जो है गए, ना हमारी शादियों में आया, बेटी की शादी में नहीं आया, बेटे की शादी में नहीं आया, हमारे ऑपरेशन हुए उसमें नहीं आया, मैडम के ऑपरेशन हुए उसमें नहीं आया। तो हमारा तो कुछ लेना देना इसमें कुछ ना हमें पता है, या तो उसकी बहू को पता होगा या उससे पता होगा। तो आपका मिलना जुलना नहीं था? मेरा मिलना जुलना था नहीं। कितने टाइम से? 10-11 साल हो गए थे। किस वजह से? उसकी बहू जो है हमारे साथ को परिवार में कोऑपरेट नहीं करती, इस वजह से। तो इस वजह से आपका बिल्कुल मिलना जुलना नहीं था? बिल्कुल मिलना जुलना। उन्होंने तबड़ा काम कर दिया, आपको नहीं पता? नहीं, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ से भी जो है वो रह रहे थे, यहाँ से भी 5-6 किलोमीटर यूरोपियन स्टेट में रह रहा था यहाँ। अच्छा, तो उसका लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है, पुलिस कल जो है वहाँ उसके ससुराल ले गई थी, या ससुराल वालों को पता है उनके उसमें है। हमारे पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस का कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं पुलिस का। तो आपके बेटे थे वो? बेटे। कितने बेटे हैं आपके? 4। अच्छा, कौन से नंबर के बेटे थे? 2 नंबर। तो आप चारों बेटों में से सिर्फ इन्हीं से नहीं मिलते हैं? नहीं, सिर्फ इन्हीं से, बाकी तीनों बेटों से आपको मिलना है? जॉइंट है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।